ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि उर्वशी ढोलकिया नच बलिए सीजन 9 में वाइल्ड कार्ड जोड़ी के तौर पर वापस आएंगी और बाकी की तीन जोड़ियों के सामने अनुज सचदेवा के साथ परफॉर्मेंस देंगी। वेल, लेकिन उर्वशी और अनुज की परफॉर्मेंस से पहले खूब सारा ड्रामा होगा। उर्वशी ने जो मीडिया इंटरव्यू दिया था उसे लेकर बात की जाएगी। उर्वशी स्टेज पर ही कहेंगी कि उन्हें शो का फॉर्मेट समझ नहीं आता, ना ही उन्हें ये लगता है कि इस शो में कभी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। उर्वशी ये भी कह देंगी कि जजेस ने कभी हमारी प्रोग्रेस पर तो बात ही नहीं की, हर बार हम बॉटम टू में आए, अपना बेस्ट दिया और बच कर आगे भी गए, लेकिन तब भी कभी हमें हाई फाइव नहीं मिला। उर्वशी की इन सभी बातों से अनुज भी सहमति जताएंगे। बता दें कि उर्वशी अनुज के साथ साथ तीन जोड़ियां और वाइल्ड कार्ड में परफॉर्म करेंगी, जिनमें से एक विशाल और मधुरिमा की जोड़ी होगी। विशाल और मधुरिमा की जोड़ी को ही हाई फाइव मिलेगा और वो शो में वाइल्ड कार्ड एंट्री लेंगे। इसी के साथ ये भी बता दें कि इस बार शो में कोई एलिमिनेशन नहीं होगा। बात उर्वशी के एलिमिनेशन की करें तो अपने एलिमिनेशन के बाद उर्वशी ने मीडिया इंटरव्यू देते हुए कहा था कि शो बायस्ड है और यहाँ पर डांस से ज्यादा ड्रामा चलता है। वहीं उर्वशी और अनुज ने अपनी वाइल्ड कार्ड परफॉर्मेंस 9 सितंबर को शूट की, तभी उर्वशी ने स्टेज पर ये सब बातें कही। उर्वशी ने ये भी कहा, मैं दोबारा इस शो में नहीं आना चाहती थी, लेकिन मैं कॉन्ट्रैक्ट में बंधी हुई थी, इसीलिए मैंने शो में वापसी की। वेल, जहां उर्वशी ने कॉन्ट्रैक्ट वाली बात कही, वहीं अहमद खान को गुस्सा आ गया। जज अहमद खान ने कहा कि अगर ऐसी बात है कि आप कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ही वापस आई हैं, तो आप बुरी परफॉर्मेंस दीजिए और अभी की अभी एलिमिनेट हो जाइए। अहमद खान ने आगे ये कहा कि जिस स्टेज ने आपको मौका दिया, जिसने आपको फिर से ऑडियंस से जुड़ने की अपॉर्चुनिटी दी, उसी स्टेज की आप रिस्पेक्ट नहीं कर रही हैं। अहमद खान को इस तरह गुस्सा होते देख मनीष पॉल ने बात संभालने की कोशिश की। मनीष पॉल ने कहा कि जानबूझकर बुरी परफॉर्मेंस तो कोई भी प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं देगा। तो वहीं उर्वशी ढोलकिया ने भी फौरन कहा कि वो अपने काम से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगी। जी हाँ, इस हफ्ते वाइल्ड कार्ड एंट्री स्पेशल एपिसोड में आपको उर्वशी और अहमद खान के बीच करारी बहस देखने को मिलेगी। फाइनल कट, न्यूज़ डेस्क।